अपने समय का सबसे बड़ा जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथैम्प्टन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। ये RMS टाइटैनिक की पहली राइड थी। पहले 3 दिन का रास्ता एकदम ही साफ था, लेकिन 14 अप्रैल की रात को 11:30 बजे टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और फिर 15 अप्रैल की रात को 2 बजे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समा गया, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना लोगों को उस समय नहीं मालूम पड़ी, क्योंकि वो टाइम मीडिया का टाइम नहीं था, लेकिन जब 1997 में इसके ऊपर मूवी बनी तब जाके दुनिया भर में ये घटना फैली। इस हादसे के 73 साल बाद 1985 में फाइनली टाइटैनिक के मलबे की खोज हुई, जो एकदम ही बुरी हालत में था, और वहीं से हमें हिला देने वाले कई सबूत मिले जो आज मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं साथ एंड लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, शूज। अब टाइटैनिक का मलबा ही 73 साल बाद मिला, तो ऐसे में किसी भी इंसान का जूता मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। जब वो जूता मिला तो तुरंत ही उसे टेस्टिंग के लिए दे दिया गया, और वो इतनी बुरी हालत में था कि उसके ब्रांड का नाम ही पता कर पाना काफ़ी मुश्किल था। बट जब इसकी टेस्टिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये जूता 60 साल से भी ज़्यादा का पुराना है, और फिर एक आदमी ने इसे भारी भरकम कीमत देकर खरीद लिया। नंबर 2, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टाइटैनिक के मलबे के यहाँ से एक वायलिन मिला, और ये वही वायलिन था जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और पूरे जहाज में अफरा तफरी हो गई थी। ऐसे में टाइटैनिक में मौजूद संगीतकार नियरर माय गॉड टू द नाम का एक संगीत गाने लगे, क्योंकि उन्हें बात मालूम पड़ गई थी कि अब यहाँ से किसी का भी निकल पाना काफ़ी मुश्किल है, और इसीलिए वो लोग अपने लाइफ के कुछ आखिरी पल हंसी खुशी से जी सके। जब ये वायलिन समुद्र से निकाला गया तो 2013 में एक ऑक्शन के दौरान $1.7 मिलियन में ये बिक गया। नंबर 3, पॉकेट वाली घड़ी। अब यारो, ये वाला ना मेरा फेवरेट है। 1:45 पर जब टाइटैनिक डूबने वाला था तो एक आदमी अपनी पत्नी को लाइफ बोट पर बैठा कर खुद मौत के गले लग गया, और तभी उसने अपनी वाइफ को एक पॉकेट वाली घड़ी दी थी जिसे आज तक संभाल कर रखा गया है। और कमाल की बात तो ये है कि ये घड़ी उस दिन 1:45 पर अटक गई थी, और आज तक ये उसी टाइम पर जमी हुई है ना, काफ़ी कमाल की बात। नंबर 4, रेडियो। यार 1912 में टाइटैनिक में एक रेडियो लगाया गया था, और फिर बाद में जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो उस रेडियो को निकाल लिया गया, और ये वही रेडियो था जब टाइटैनिक डूबने की कगार पर था तो शिप के क्रू मेंबर्स ने इसी रेडियो से अपने आसपास के जहाज़ों से मदद मांगी थी। अब एक और हैरानी वाली बात आती है। 2004 में नॉर्थ अटलांटिक महासागर की गहराइयों में से एक कंकाल मिला, और इसकी कहानी थोड़ी अजीबोगरीब है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया था वो ये कि क्या जैक और रोज़ रियल में एग्जिस्ट करते भी थे? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल ही नहीं। पूरे जहाज़ में जैक डॉसन नाम का कोई भी बंदा नहीं था। हाँ, जैक डॉसन की जगह जोसेफ डॉसन नाम का था एक आदमी, जो कि टाइटैनिक का एक क्रू मेंबर ही था, जिसका काम शिप की भट्टी में से राख को निकाल कर फिर से उसमें कोयला डालना था। और रही बात रोज़ के कैरेक्टर की, तो हकीकत में रोज़ नाम की कोई भी लेडी पूरे जहाज़ में थी ही नहीं। और इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने खुद ही बताया कि जैक और रोज़ एक इमेजिनरी कैरेक्टर थे, जिनकी लव स्टोरी भी बस एक इमेजिनेशन वाली थी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।